फोन वाले बाबू बहुत बढ़िया, जिसके पास बुक में नहीं है फोन खोल लो भाई, हाँ वेरी गुड. एंड दैट इज वाई आई लव दिस जनरेशन, एंड दैट इज वाई डिस्पाइट हैविंग सो मच ऑफ बर्डन ऑन द कोर्ट्स ऑफ लॉ आई कीप कमिंग टू यू ऑल बिकॉज आई लर्न सो मच फ्रॉम दिस जनरेशन. फोन पे है, अभी थोड़े दिन में घड़ी में भी आ जाएगा. हो सकता है आने वाले वक्त में सीपीसी की चिप लग जाए, यही लग गई डायरेक्ट, कुछ जरूरत ही नहीं. आई एम सॉरी, आ सकता है बिल्कुल आ सकता है. क्या नाम बेटा आपका? स्नेहल. बिल्कुल आ सकता है, एग्री विद यू. क्लैप फॉर स्नेहल, वेरी गुड. आपका नाम बेटा क्या है? हर्षिता. अक्षता. गेट इंस्पायर्ड अक्षता. ओह नाउ शी इज मेकिंग नोट्स. थैंक यू. आई होप यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ सीपीसी. गुड गुड गुड. चलो अक्षता, इसके बाद वाले क्वेश्चन आंसर करना बेटा. नाउ मेक नोट्स. ऑल राइट, कहां तक आ गए हम लोग? ऑर्डर 13A हो गया. फिर 13A आप बताया ना उन्हें, बताओ स्नेल 13A क्या है? ऑर्डर 13A क्या है बताओ? फोन हाँ आपने कहा ना आपके फोन में है, हाँ बताइए. Summary judgment. Now you're right. Correct. 13A is summary judgment. फोन यार पुराना है लगता है इसने, हाँ बैठ जाओ. हाँ गलत पीडीएफ हो गया, कोई बात नहीं. चलो समरी जजमेंट इज 13A. ऑलराइट, नाउ वी हैव कम अप टू 16 एंड 16A. देन कम्स ऑर्डर 17. समन्स टू विटनेस हो गए, विटनेसेस कोर्ट में पहुंच नहीं पा रहे हैं, है ना? समन्स तो गया है, सर्विस भी हो गया है, पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? ऑर्डर 17 में श्री श्री 1008 बाबा सनी देओल की याद कीजिए, तारीख पे तारीख. ऑर्डर 17 टॉक्स अबाउट एडजर्नमेंट. हैज इट इट है ना एडजर्नमेंट? एडजर्नमेंट इस तारीख. ए डी जे यू आर एन एम ई एन टी एडजर्नमेंट. ओके, ऑर्डर ऑर्डर 17 टॉक्स अबाउट एडजर्नमेंट्स. वेल एडजर्नमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गए, फाइनली कोर्ट में आ गए, सब तारीखों के बाद भी विटनेस हाजिर हो गया, तो क्या होगा? हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सूट ऑफ द पार्टीज. ऑर्डर 18, हियरिंग ऑफ द सूट. हियरिंग मीन्स सुनवाई शुरू हो गई. बोथ पार्टीज हैव टू सबमिट देयर क्लेम एंड एवरीथिंग, वॉट एवर इज हैपनिंग. द हियरिंग हैज बिगन. Isn't it? Order 18. And after order 18, all the hearing, everything, arguments, everything is over. Then, in case you want to file certain assertions of your claim, you have to file affidavits, which is order 19. Affidavits are under order 19. Respective parties have to submit their affidavits. What will the affidavit speak? Affidavit is
stating something on affirmation. Right? Stating something on affirmation is affidavit. With regards to your submission of statement, witnesses may put affidavits that I am confirming this, I am affirming this, what I have stated is true and correct to my knowledge, and nothing false have been stated before the court. All that is affidavit. Statements on affirmation, right? गीता पे हाथ रख के भी कर सकते हैं, वो तो गवाही जवाब विटनेस बॉक्स में करते हैं तब. एफिडेविट तो आपने राइटिंग में दे दिया. नाउ ऑलराइट, सो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्लेंट बनने से लेकर फाइलिंग होने तक, समन्स सर्विस से लेकर रिटन स्टेटमेंट तक, appearance, non-appearance, examination, फिर witnesses के summons, witnesses के statements, adjournments, affidavits, सब होने के बाद hearing हो गई. Hearing हो गई मतलब दोनों sides have argued their case before the court. Now what? What remains? Judgment. Court has to pass its judgment under order 20. So under order 20, the court passes judgment. Or judgment दोनों में से जिसके भी favor में जाता है, उसके opposite party पर जो ये क्लेम करने का खर्चा हुआ है, कोर्ट वो खर्चा भी इम्पोज कर सकता है. किस पर? हारने वाली पार्टी पर. क्योंकि जो जीता है उसका क्लेम सही था, और सही क्लेम होते हुए आपने अपोज किया और उसको इतने दिन कोर्ट में दौड़ाया, तो जो आपने उसको तकलीफ पहुंचाई और उसके इतने पैसे खर्च कराए, तो जजमेंट के बाद हारने वाली पार्टी पर कोर्ट कॉस्ट्स लगा सकता है. इस खर्चे को कहते हैं कॉस्ट्स, कॉस्ट्स ऑफ लिटिगेशन, द होल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन विच द पर्सन अननेसेसरली हैज टू कम टू कोर्ट, एंड दैट कॉस्ट्स हैव बीन अमेंडेड एंड एडेड इनटू द सीपीसी अंडर ऑर्डर 20A. 20A talks about costs. अब ये पूरी बात आपको प्लेंट से लेके जजमेंट तक समझ में आ गई? Who can explain this? हाँ बोलिए. And I have lost it. Still, I have to pay the cost because I was not cheating to the court. In my knowledge, I was right. So, if the court imposes cost on me, so I have to pay it compulsorily or I can deny it. क्या नाम बेटा आपका? श्रद्धा. श्रद्धा का क्वेश्चन है कि भाई मैं हार जरूर गया मुकदमा, मगर मेरी समझ में तो मैं सही था, इसलिए मैंने अपोज किया था. बड़ा लॉजिकल पॉइंट है. बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, डू यू नो एनी आइडिया व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? बिकॉज आई हैव कॉइंड अ डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट. अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन टू पर्संस एसर्ट दैट दे आर इक्वली राइट. दोनों में से एक भी अगर ये कह दे कि थोड़ा तो मैं गलत हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. व्हेन टू पर्सन एसर्ट देमसेल्व्स टू बी इक्वली राइट इज अ कॉन्फ्लिक्ट. तो श्रद्धा कह रहे हैं भाई मुझे लग रहा था मैं सही हूं, तो ये कॉस्ट ऑस्ट क्या है, ये सब गलत है सर. हाँ, तो श्रद्धा आप कह सकती हैं कोर्ट से, सर ये गलत है सर, मत लगाइए कॉस्ट.
लेकिन अगर कॉस्ट लगा दिया तो पे तो करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका बिलीफ था कि यू आर राइट, कोर्ट इज नॉट फाइंडिंग यू राइट. ये तो आपका बिलीफ था ना, जो कि पैदा होने से श्रद्धा यहां तक जाने, कितनी बिलीफ के बाद भी पनिशमेंट आपको मिली होगी. कभी मम्मी पनिश कर रही है, आपको लग रहा है क्या यार मैं तो सही थी. कभी पापा पनिश कर रहे हैं, कभी टीचर, फिर भी पनिशमेंट मिल रही है ना. ऑल दो एज अ चाइल्ड यू फील आई वॉज राइट. कोई चाइल्ड ने आज तक बोला यार सही पनिशमेंट दी मम्मी ने? बोला है क्या कभी श्रद्धा? हमेशा आई वॉज राइट, फिर भी पनिशमेंट मिली. यही तो कोर्ट में होता है. यू फील यू आर राइट बट द कोर्ट डज नॉट फील सो, एंड दैट इज व्हाई ही इज इम्पोजिंग कॉस्ट ऑन यू. एंड वंस द कॉस्ट हैज बीन इम्पोज्ड, लाइक्स फ्रॉम चाइल्डहुड, वंस द मम्मी हैज सेड बेटा खाना तो तब मिलेगा जब चैप्टर पूरा करोगे, और आप बताए जा रहे हो अरे मम्मी कल टेस्ट नहीं है क्यों पढ़े, पर मम्मी मान नहीं रही, पढ़ना तो पड़ेगा तो ही मिलेगा खाना. यही कोर्ट भी है. आप कुछ भी कहे जा रहे हैं कोर्ट करें ना, गलत हो और कॉस दो. सो नाउ हु विल एक्सप्लेन द जर्नी फ्रॉम निशित भैया आउटसोर्स किया, बताओ पूरी कहानी. हाँ नहीं नहीं बताओ बताओ सबको. अरे मगर दूसरे कैसे देखेंगे? सबको देखने दीजिए. बताइए. Start from part 1, which has section 9, 35A plus order 1 to 7, including the 4th and the 5th one. So which is plain. Order 1 says, order 1 is parties to suit. Order 2 is framing of suit. Order 3 is recognition, recognizing the agent and pleaders. Then order 6 is pleadings in general, and 7 is plain. Very good. Then comes section 26 plus order 4, which is institution of suit. Then is order 5, which is summons to the parties. Then order 8, which contains written statement. No, that's it. Written statement from the defendant. Written statement under order 8 includes counterclaim, set off, whatever. Counterclaim set off is when the defendant also claims in counter, not only gives his defense but says in counter that I also have certain rights, that is called counterclaim. Or set off means when he says that this much portion of plaint is right but balance is not right, so please set it off. Matlab agar wo keh raha hai ki mera 100 रुपए निकलता है, प्लेंटिफ कह रहा है, और डिफेंडेंट कह रहा है कि 50 रुपए तो मेरा भी इनके ऊपर निकलता है, तो सेट ऑफ इज कि ऑल राइट 50 रुपए दे दो तो तुम्हारा भी बराबर हो गया, तुम्हारा भी बराबर हो गया, दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ. ठीक है. अगर वो कहता है मेरा 110 निकलता है, दैट इज काउंटर क्लेम. इज इट राइट? चलो नेक्स्ट. देन इज ऑर्डर 9 व्हिच हैज अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस. Order 10 has examination of parties. Order 11 has discovery and production of documents with an amendment of where we have order 11A, digital documents.